जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं प्रशांत कुमार एनएसयूआई एमएसएफ के ज्वाइंट पैनल के प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार यहाँ पर आए हुए उन तमाम साथियों का सच्चे दिल से स्वागत करता हूँ। जिस तरह पूरे देश में चुनाव आयोग ने इस फासिस्ट सरकार के सामने अपने झुकने दे दिए हैं, वहीं पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से स्वच्छंद और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया है, उसका हम सम्मान करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अभी हमारे साथी ने 9 फरवरी के पूरे इंसिडेंट के मैटर को सब्जेक्ट होने के बाद भी यहाँ पे क्लेम किया गया है, ऐसा किया गया है, इसका मैं इस मन से खंडन करता हूँ। जहाँ पर एक तरफ न केवल इस देश में बल्कि देश विदेश के बाहर राइट विंग ताकतों का उदय हो रहा है, जिस तरह से अमेरिकन इंपीरियलिज्म और ग्लोबल कैपिटलिज्म ने अपने पैर पसारे हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें ब्राजील के अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में मिलता है, जहाँ पे वहाँ के आदिवासियों की जमीन छीन ली गई है और उनके जंगलों को जलाया जा रहा है। जब भी कभी वो आदिवासी अपनी आवाज को लेकर अपनी सड़कों पर उतरते हैं तो उन आवाजों का उसी सड़कों पे दमन कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो चीन लेफ्ट का द्योतक माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, और हांगकांग में जब वहाँ के साथी एंटी एक्सट्रीडिशन बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो उन्हीं कुछ और गलियों में उनकी आवाज़ का दमन कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह जब यही राइट विंग फोर्सेज हमारे देश में आती हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे देश की ऑटोनमी, इंटीग्रिटी, सेकुलर थ्रेड और वो तमाम जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं उनको नकारा जाता है, उन पर एक सवालिया निशान खड़ा किया जाता है। अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आकर कहते हैं कि साहब सिर्फ कानून ही अंधा नहीं है, न्यायाधीश भी अंधे हो गए हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। हमें कैसे दौर में जी रहे हैं जब हम देखते हैं कि एक तरफ भारत माता की जय का नारा दिया जाता है, एक तरफ गाय की माँ का नारा दिया जाता है और एक तरफ माँ के इमोशन के साथ खेल के यहाँ की तमाम जनता को बेवकूफ बनाया जाता है और उसी नारा के नाम पे एक मुसलमान को मार दिया जाता है, दिया जाता है और एक आदिवासी को मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमारे साथी अभी बोल के गए हैं, जो इस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, क्या आने वाले चुनाव में आप इनको अपना मैंडेट देंगे? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब भी कभी वुमेन राइट की बात की जाती है, एक बच्ची और से लेके 65 साल की जितनी भी वुमेन है हमारे देश में, ना केवल वो घर के बाहर सुरक्षित है बल्कि घर के अंदर सुरक्षित है। जब भी कभी हम वुमेन की बात करते हैं तो मुझे याद आता है सिमोन दे बोवा का वो कोट, मैं याद करता हूँ मेरी वॉन क्रॉफ्ट को, वो कहती हैं कि वुमेन इज नॉट बॉर्न बट वुमेन इज मेड। आज सवाल पूछने वाली बात यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो वुमेन को बना रहे हैं, ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इन लोगों का मुंह बंद करना चाहती है? ये वही आरएसएस आरबीवीपी और बीजेपी के लोग हैं जो चाहते हैं कि ये महिलाएं उन कमरे में बंद कर दी जाए और उनकी आवाज को बंद कर दिया जाए। आज ये बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कश्मीर 370 से आजाद हो गया है। मैं आपको याद दिला दूं, जब देश आजाद हुआ था तब से कश्मीर हमारे साथ है और जब कश्मीर हमारे साथ है तो हम कश्मीर के लोगों की बात करते हैं। जिस तरह से प्लीज पॉज हैं तो मैं आज इनको बता देना चाहता हूँ, जब भी कभी कश्मीर के लोगों की आपने आवाज ही नहीं सुनी, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को बाईपास किया गया है, जिस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर में चोट पहुंचाई गई है और जिस तरह से कश्मीर के लोगों को आप नहीं चाहते हो, बस कश्मीर जी जान को चाहते हैं, मैं इस मन से उस 370 को जो फील किया गया उसकी भर्त्सना करता हूँ। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, बात 367 के जितने भी नियमों को ताक पे रखा गया है, 371 को हटाने की भी तैयारी कर रहे हैं। इनको यहाँ के लोगों की कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको वहाँ के जल जमीन जंगल और वहाँ के जितने भी आदिवासियों को हटाने का एक प्लान कर रहे हैं, षड्यंत्र है और मैं उनकी इसमें कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये लोग ना केवल नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की एक कमेटी में डाल के उसके अंदर की जो तमाम कमेटीज हैं उनके रिप्रेजेंटेशन की जब बात करते हैं तो सारे लोग मौन बैठे होते हैं। आज जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है, आज जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है तो जो इनके हमारे प्रधान थे, जो हमारे सरदार थे, वो कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज वही 2 करोड़ रोजगार यहाँ पे बैठे हैं और वो जॉब मांग रहे हैं, इनका मुंह बंद है। जो कहते थे कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, आज वही GDP 5 पे पहुंच चुकी है और उस समय हमारा आरबीआई सोने की चिड़िया की तरह कहता है, साथी हमसे 1.75 लाख करोड़ लो लो और इसको कहीं तो बचा लो। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पे वसुदेव कुटुंबकम का नारा तो दिया जाता है
जहाँ पे वसुदेव कुटुंबकम का नारा तो दिया जाता है, लेकिन असम में एनआरसी को ला के तमाम लाख लोगों को हटा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी वसुदेव इतनी छोटी है या फिर आप कुटुंब को मानते ही नहीं? आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे पूरी तरह से निराशा छा गई है, जहाँ पे जब भी कभी हम देखते हैं तो हमारे नियम और रूल्स को ताक पे रख दिया जाता है, इंसानियत को दांव पे लगा दिया जाता है। तब मुझे फैज की वो लाइन याद आती है, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। एक ऐसे दौर में जी रहे हैं तब हमें ये लाजमी है कि आज हम यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी बातें करें, हम समझे कि आखिर यूनिवर्सिटी क्या है। जब भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब छात्र संगठन की आवाजों को दबा के वहां के चुनाव को रोका जाता है, उस समय वहां पे एनएसयूआई ही लड़ रहा होता है, और जिस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में सावरकर को जबरदस्ती वीर बना के वहां पे मूर्तियां लगवाई जाती है, तब भी वहां पे एनएसयूआई लड़ रहा होता है। आज एक ऐसे दौर में जहाँ पे पूरी तरह से कैंपस को डिपॉलिटिसाइज किया जा रहा है, और कैंपस में मीडिया, व्हाट्सएप और तमाम चीजों का इस्तेमाल करके लोगों को डिपॉलिटिसाइज किया जा रहा है, आज मुझे ऐसे दौर में प्लेटो की याद आती है। वो कहता है, If you will not take interest in the political affairs of the government, you are doomed to be ruled by the fools. और आज हमारा राजा, देश का सरदार एक मूर्ख बैठा है, जो हमसे कहता है कि नाली की गैस से मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा, तूने पढ़ लिया है तो जा पकौड़े बेच। और बताइए आप, पीएचडी करने के बाद क्या मैं आर्ट फैकल्टी ड्यू के सामने चाय बेचूं जाके? आज हम सब लोगों के अकेडमिक इस्तेमाल कराया जाता है। जब कभी बात आती है यूनिवर्सिटी की तो हमें याद करना होगा नेहरू का विजन क्या था। नेहरू कहते हैं यूनिवर्सिटी स्टैंड फॉर ह्यूमैनिज्म, फॉर टॉलरेंस, फॉर रीजन, फॉर एडवेंचर्स ऑफ आइडियाज, फॉर कॉन्स्टेंट कल्चर ऑफ ट्रूथ। आज जब भी कभी हम यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हैं तो ये पांचों चीज नदारद दिखती है। सामाजिक न्याय और जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, तमाम चीजों को ताक पे रख दिया गया है। 2016 जब हम 2016 की बात करते हैं तो पूछना होगा कि इस कैंपस को बिगाड़ने में पूरा हाथ किसका है। तब हमको पता चलता है कि एबीपी के लुम्बे थे जिसने हमारे एक मुस्लिम साथी पे आक्रमण किया, और आज वो गायब है और उसकी आवाज तक नहीं उठाई जाती है। जब बात करते हैं डॉक्टर रोहित नंदाजी की, एक मुसलमान के साथ जब इस तरह की चीजें हो रही थी तो पूरा कैंपस जो बैठा था, और यही वो एबीपी के लोग है जो उसके अगेंस्ट में खड़े हुए थे। बात करनी होगी मैं आसिफा की, बात हमें करनी होगी आसपा को जो देश का झंडा लेके निकले थे उसके रेपिड के सपोर्टर के लिए, और उस समय देश के झंडे का इन्होंने अपमान किया था। ये इनके लिए भी नई बात नहीं है, 1947 में भी जब हमने झंडे की बात की थी तो ये अपना भगवा झंडा लेके आए थे और उन्होंने उस समय भी उसका अपमान किया था। मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी दलित अट्रॉसिटीज की बात होती है कैंपस के अंदर में, घनश्याम मेरे सेंटर का था। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब उसकी पीएचडी सबमिट नहीं हुई थी तब यहाँ पे कौन खड़ा था? ये लेफ्ट प्रोग्रेसिव अपने आप को कहते हैं, ये पूरी देश उस समय गायब थे। जब उसके खाने के पास नहीं होता थी चीजें तब उस समय सिविल एसटू में उसका ध्यान कौन रखता था, और जब उसके कपड़े गंदे हो जाते थे तब उसका ध्यान कौन रखता था? अब 15 तारीख, और जब 16 तारीख को ये तमाम चीजें हो रही थी और उसकी डेड बॉडी वहां पड़ी थी, तब एक तरफ ये एबीपी वाले बप्पी लहरी चलवा रहे थे और दूसरी तरफ हिलेरे झकझोरे या ऐसा वाले चलवा रहे थे। एक ऐसे समय में मैं मानता हूँ चंद्रशेखर एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, आयसा के थे, भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस समय माइनॉरिटी डेप्यूटेशन की पॉइंट की बात की थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो एक ओबीसी थे और ओबीसी के दुख दर्द को समझते थे, तब उन्होंने माइनॉरिटी की पॉइंट की। आज मैं याद करना चाहता हूँ, जब भी सामाजिक न्याय की बात आती है मैं अर्जुन सिंह को याद करना चाहता हूँ, मंडल को याद करना चाहता हूँ। शायद मैं आज उनकी वजह से इस मंच पे खड़ा होकर आपके सामने दहाड़ पा रहा हूँ, अपनी आवाज रख पा रहा हूँ, उन लोगों की आवाज रख पा रहा हूँ जिससे कैंपस में कोई आवाज नहीं बनना चाहता है। मैं इसकी उनकी याद करना चाहता हूँ, वरना मैं आज कहीं पे अपने खेत में सब्जी उगा के कहीं सब्जियां बेच रहा होता। मैं आज बीपी मंडल को याद करना चाहता हूँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई है, कैंपस में जब बात करते हैं, अभी हमारे साथियों ने सत्याग्रह किया था। एबीपी के लोग सत्याग्रह कब से करने लगे? इनका सत्य और आग्रह दोनों से कोई संबंध नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस कैंपस में जब भी कभी हॉस्टल की बात आई, 2012 में जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी तो पूरा ओबीसी फंड आया था जिससे हॉस्टल बनवाए जा रहे थे, उससे कन्वेंशन सेंटर बना दिया गया है, और आपकी जो प्रोफेसर आज एप्पल के लैपटॉप लेके घूमते वो बटवा दिया गया था। ये स्टनमे की बात है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो पैसे से हमें स्टूडेंट को हॉस्टल बनना चाहिए था उससे प्रोफेसर और कन्वेंशन सेंटर बना दिया जाता है। आज यहाँ के स्टूडेंट जो डॉर्मेट्री में रह रहे हैं उनसे ना केवल एबीपी और तमाम लोगों से सवाल पूछना चाहिए, बल्कि जो लेफ्ट लेग जेएनयू से हमेशा से आ रहे हैं उनसे भी सवाल पूछना चाहिए। एक ऐसे दौर में जब छात्रों की समस्याएं नदारद हैं, तो ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये आवाज है वो महिम मांडवी के डॉर्मेट्री में रह के इंसान की
जिसका संसार केवल 3x6 के बिस्तर तक बना दिया गया है। ये आवाज है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट की जिसको साबरमती में सरेआम उसको बदनाम किया गया और पूरा का पूरा प्रोग्रेसिव कैंपस चुप रहा। ये आवाज है उस स्पोर्ट्स के लड़के की, वो क्रिकेट खेलने वाले की, जो आज भी वो पट्टी मैट पे खेलता है और जब चोट लगती है तो जाता है वहां पे हेल्थ सेंटर में, उसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है। ये आवाज है वो बीटेक की स्टूडेंट्स की जो क्लास के लिए तैयार होकर निकलता है तो बारिश के समय उसे तैर के जाना होता है। ये आवाज है वो एमबीए के लड़के की जो 14 लिस्ट के बाद 40 की संख्या में आते हैं और आज उनके माँ बाप 12 लाख रुपए पे कर रहे हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। ये आवाज है उन तमाम स्टूडेंट्स की, वो तमाम साइंस के स्टूडेंट की जिनकी आवाज इस कैंपस में कोई बनना नहीं चाहता है। ये आवाज उस नैनो साइंस की लड़की की है जो डे स्कॉलर है और यहाँ पे उसको रहने के लिए कुछ नहीं मिलता है। ये आवाज है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, ये आवाज है नेपाल भूटान वो तमाम हमारे साथियों की जिनकी फीस को $100 से बढ़ा के $1200 कर दिया गया है। ये तमाम आवाज है यहाँ के उन इंसान लड़कों की जिनके इस कैंपस में कोई आवाज नहीं बनता है। तो मैं आज अपनी लाइन, कोई तो सूझ चुका है कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूझ चुका है कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज अधूरा है, जो इंकलाब का जो आज अधूरा है, मैं उसी अधूरे इंकलाब को लेकर आपके सामने आया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये जो राइट का वायलेंस और लुम्पेनिज्म चल रहा है और दूसरा जो लेफ्ट का हिपोक्रेसी और कोई तरह से लगा रखता है उसके बीच में मैं प्रशांत कुमार NSUI MSF का ज्वाइंट कैंडिडेट आपके सामने वोट मांग रहा हूँ, आपके हक का मांग रहा हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उन तमाम स्टूडेंट की जो आवाज है मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और आने वाले समय में जब भी किसी स्टूडेंट को कोई भी जरूरत हो मैं पूरी तरह से एक्सपेल रहूंगा और उन तमाम इकबाल के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। मैं प्रशांत कुमार प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार आप सभी से अपना, अगर आप समझते हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ आपका वोट तो आप आने वाली 6 तारीख को मुझे अपना वोट दें। थैंक यू सो मच। स्पीकर प्लीज माइंड द स्पीच। अब आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।